हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फिल्मी बातों में। आज की हमारी मूवी है दिलवाले, जिसका बेसब्री से इंतजार था लोगों को काजोल और शाहरुख की केमिस्ट्री देखने को। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। बात जब भाई की होती है ना, तो दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करने लगता है। तू कुवारा नहीं रहेगा, इस मनी भाई के लिए भी हम मनी बैंड ढूंढ लेंगे। तू आज भी नहीं, ये परिश्ते तू अपने जगह पर रह रहे। क्या कर रहे हैं? वाह, ये तो मानना पड़ेगा मेरा। बड़े दिल वाले टाइप की हूँ ना। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। किंग किंग जो क्या मैं तेरा आधार कार्ड बनाऊं बे। मैं आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं। वीर ने सही कहा था, आप कुछ ज्यादा ही सीधे और शरीफ। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। जैसा कि आप जानते हैं, ये रोहित शेट्टी की मूवी है। इसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृतिका है। आइए देखते हैं लोगों को ये कितनी पसंद आती है। देखा जा रहा है कि जैसे हमने प्रोमो में देखा, ये थोड़ी सी रोमांटिक मूवी लग रही थी। आइए देखते हैं लोगों को क्या उनका रोमांस पसंद आया। आइए हम अपने दर्शकों से पूछते हैं। मूवी अच्छी थी, पहले से तो काफ़ी अच्छी थी। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद तो काफ़ी अच्छा रोल किया है शाहरुख ने भी, और शाहरुख काजोल की जोड़ी देख के भी अच्छा लगा है। मतलब काफ़ी अच्छी है। स्टोरी उतनी पूरी रोमांटिक भी नहीं थी, इसलिए 4 स्टार में दे सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ मिक्स था इसमें। मूवी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। काजोल की भी एक्टिंग अच्छी थी और शाहरुख खान की भी एक्टिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। उसका काम बहुत अच्छा था और पिक्चर इंटरेस्टिंग था और अच्छा था मूवी। 4 अच्छी है, अच्छी है, अच्छा है, बहुत साल के बाद बहुत अच्छा है। 4 स्टार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत रहती है, बट फिर जैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ट्विस्ट बहुत है और इंटरेस्टिंग मूवी था। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कॉमेडी, वेरी वेरी वंडरफुल, यू मस्ट एंजॉय, ऑसम, थम्स अप। 4.5 15 साल बीत गए। 15 साल 4 महीने 10 दिन। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो। धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा। इशिता, I'm sorry, लेकिन भाई से बढ़ के कुछ नहीं। मेरी हो रहना कभी ना कहना अलविदा। जैसा कि हमारे दर्शकों ने बताया, ये मूवी उनको बहुत ही पसंद आ रही है। हर कोई 5 स्टार में से 4 स्टार देने को एकदम अमादा हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ये उनकी केमिस्ट्री बहुत ही पसंद आ रही है। हमें लगता है एक बार फिर रोहित शेट्टी ने धमाल किया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।